Some philosophers say that God and individual are two different things, but some says God and individual are not two different things. They are distinct but inseparable. Hello everyone, my name is Richa Singh. I welcome you all to this YouTube channel, Study Philae IAS. And yes, today we are going to discuss about the philosophical aspect of Bhakti movement. बहुत सारे आचार्यज हैं, बहुत सारे वैष्णव एंड शैव ट्रेडिशन के जो आपके सेंट पर्ट्स हैं, उनके अपने अपने कुछ थॉट्स हैं, कुछ अपनी फिलॉसफीज हैं भगवान और इंडिविजुअल को लेके. आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का जो रिलेशन है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इस भक्ति मूवमेंट की. जब भी हम बात करते हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वैष्णव सेक्ट के पोएट्स रहे हैं, संत रहे हैं, या आचार्यज रहे हैं, या सैव सेक्ट के जो आचार्यज रहे हैं, व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ दोज आचार्यज और सेंट पोएट्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन भक्ति मूवमेंट वॉज फ्लरिशिंग. और उनका काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है भक्ति मूवमेंट के इस फ्लरिशिंग जो एरा रहा है भक्ति मूवमेंट का, उसको उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें इन सारे आचार्यज का देखने को मिलता है. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज which were the great philosophers during the times of Bhakti movement, and we will talk about them as well. So, आज हम तीन लोगों की बात करने वाले हैं. पहले हम बात करेंगे रामानुज की, दूसरे आचार्य हैं जिनका नाम है माधव, इनकी बात करेंगे, एंड तीसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य. तो शंकराचार्य की एक अपनी अलग फिलॉसफी है. क्या फिलॉसफी है? शंकराचार्य एज अ टॉपिक यूपीएससी में अलग से मेंशन है, तो इसलिए उनके बारे में हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे. For now, we will talk about only for Ramanuj and Madhav. तो अगर हम बात करें philosophical aspect of भक्ति movement की, तो ये भक्ति movement जो है, इसकी philosophy शुरू होती है, अगर हम बात करें सबसे पहले वैष्णव जो आचार्य थे, saint थे, तो the first of these was नाथ मुनि. अब काफी बार आप इनका नाम सुन चुके होंगे, कल भी आपने सुना है. तो नाथ मुनि was the first one. He was the founder of Sri Vaishnav sect. He was the founder of Sri Vaishnav sect. ठीक है, तो वैष्णव sect के जो founder थे वो थे नाथ मुनि. अब ये जो नाथ मुनि है, he lived in the late 10th और early 11th century. तो इनका जो time period है वो आप बोल सकते हैं late 10th और early 11th सेंचुरी. ये टाइम पीरियड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखते हैं, तो बेसिकली वहां पर मोस्टली आप देखेंगे कि टाइम पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो नाथ मुनि का जो टाइम पीरियड है, दैट इज 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ श्री वैष्णव सेक्ट. आफ्टर हिम देर आर थ्री इंपॉर्टेंट श्री वैष्णव आचार्यज, जिनमें से सबसे पहले जो है वो है यमुनाचार्य, सेकेंड है हमारे रामानुज, एंड थर्ड है हमारे माधव. जिनमें से आज हम जो डिटेल में जिनकी फिलॉसफी डिस्कस करेंगे वो है रामानुज एंड माधव. ये जो यमुनाचार्य है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 10th सेंचुरी. जो रामानुज है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 11th 12th सेंचुरी. और जो आपके ये माधव हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 12th 13th सेंचुरी. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है. अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रामानुज की. ठीक है, अब क्या है कि इससे पहले काफी सारा हम आइडिया ले चुके हैं वैष्णविज्म शैविज्म से रिलेटेड, किस तरीके का सोशल बेस था. तो यहां पर हम बात करने वाले हैं फिलॉसफी की, कि इनका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या था, इनकी सोच क्या थी, किस सोच से इन्होंने भक्ति मूवमेंट में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है. तो अगर बात करें हम रामानुज की, सबसे पहले देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ. तो इनिशियली जो है ही लिव्ड इन कांचीपुरम. ठीक है, इनिशियली ही लिव्ड इन कांचीपुरम. अब कांचीपुरम में इनिशियली लिव करते थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपना ये प्लेस जो है वो चेंज कर दिया. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मानी जाती है क्योंकि ये वैष्णव सेक्ट के संत थे, ये भगवताचार्य थे, यानी कि खुद को भागवत बोलते थे, और ये विष्णु की, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे. और कांचीपुरम में उस समय जो चल रहा था रूल, वो चल रहा था चोलास का. तो ऐसा बोला जाता है कि चोला किंग जो थे, उन्होंने इनको परसिक्यूट कर दिया था. ही वॉज परसिक्यूटेड बाई अ चोला किंग, बिकॉज चोला किंग वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा,
ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चोला किंग वैसे तो बोलते थे दे वर द री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु बट दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा. तो लॉर्ड शिवा के ये डिवोटीज थे, इन्होंने प्रोसिक्यूट किया था रामानुज को. और उसके बाद जो ये रामानुज है हमारे, ये रामानुज ने रिफ्यूज लिया था होयसाला किंग के पास. तो बाद में फिर ये मूव कर गए थे और इन्होंने होयसाला किंग के पास जो है वो रिफ्यूज लिया था. अब रामानुज के कुछ वर्क्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं. रामानुज ने काफी सारे चीजें लिखी हुई हैं, उनमें से जो मेन तीन है, पहला है वेदांत सार. ठीक है, तो वेदांत सार ये आपको नाम याद रखना है कि रामानुज के कौन से राइटिंग वर्क्स हैं. तो पहला है वेदांत सार, दूसरा है वेदार्थ संग्रह. ठीक है, दूसरा है वेदार्थ संग्रह. थर्ड जो है वो है आपका वेदांत दीप. ठीक है, वेदांत दीप. अब ये तो इनके तीन राइटिंग वर्क्स हैं. इसके अलावा रामानुज ने कुछ कमेंट्रीज भी लिखी हुई हैं. ठीक है, अभी माधव के जब बारे में बात करेंगे हम देखेंगे उन्होंने भी कुछ कमेंट्रीज लिखी हुई हैं. तो इन्होंने कहा किस पे कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, तो इनकी जो कमेंट्रीज हैं वो बेसिकली भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पे लिखी गई हैं. ठीक है, तो भगवद गीता काफी फेमस होली बुक है हिंदुइज्म की, भगवद गीता एंड ब्रह्म सूत्र. तो ये दो बुक्स हैं, इस पे इनकी कमेंट्रीज भी हमें देखने को मिलती हैं. अब ये जो रामानुज हैं इनकी फिलॉसफी क्या थी, इनका क्या एक माइंडसेट था, भगवान और इंसान के रिलेशनशिप को ये किस तरीके से देखते थे. तो इनकी एक बहुत ही स्पेशल और अलग फिलॉसफी है जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी. क्या बोलते हैं? विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी. अब विशिष्ट द्वैत को हम क्वालिफाइड मोनिज्म या नॉन डुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं. तो क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म. अब फिलॉसफी होती क्या है? फिलॉसफी का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके आप क्या आपकी थिंकिंग है, उन थिंकिंग को आप वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, लोगों को समझाते हैं, वही आपकी फिलॉसफी बन जाती है. तो इन्होंने गॉड एंड इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को इस तरीके से डिफाइन किया कि उनकी फिलॉसफी जो है वो विशिष्ट द्वैत के नाम से जानी जाती है. हमारे पास दो तरीके की फिलॉसफी है. आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिलॉसफी जो है, ये विशिष्ट द्वैत जो है, इसके पहले इसका क्या और कौन से टर्म्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं. तो दो तरीके की फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. पहली फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो है वो है द्वैत फिलोसफी और दूसरी है आपकी अद्वैत फिलोसफी. तो द्वैत फिलोसफी का मतलब होता है, द्वैत का मतलब होता है डुअलिज्म. डुअल का मतलब होता है जहां हम दो अलग अलग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअलिज्म. नॉन डुअलिज्म मतलब जहां पर हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इस तरीके से बात करते हैं कि चीजों को हम अलग तरीके से नहीं देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे वो दोनों ही चीजें एक साथ जुड़ी हुई हों, अलग नहीं हो. जबकि डुअलिज्म में दो चीजों को हम अलग अलग करके देखते हैं. जैसे कि जो द्वैत फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे कि ये जो माधव है ये द्वैत फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, जबकि जो रामानुज है वो अद्वैत फिलॉसफी के बारे में बताते हैं. द्वैत फिलॉसफी के हिसाब से जो गॉड है और जो आत्मा है, यानी कि इंडिविजुअल है, ठीक है, गॉड एंड इंडिविजुअल, या आप इसमें लिख सकते हैं ब्रह्मा और आत्मा के बीच में क्या रिलेशन है. तो द्वैत फिलॉसफी को फॉलो करने वालों के हिसाब से गॉड और इंडिविजुअल, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, ये एक नहीं है. गॉड अलग है, इंडिविजुअल अलग है, ब्रह्मा का आत्मा से कोई संबंध नहीं. ब्रह्मा अलग है और आत्मा अलग है. ये जरूर बोला जा सकता है कि अगर आत्मा जो है, यानी कि जो इंडिविजुअल है, अगर वो भगवान की वर्शिप करे तो वो गॉड को अटेन कर सकता है या परफेक्शन ला सकता है खुद में. क्योंकि ऐसा माना जाता है जो इस द्वैत फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उनके हिसाब से जो इंडिविजुअल होता है, जो आत्मा होती है, उसके पास काफी सारे डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं. लेकिन जो गॉड है वो परफेक्ट है, उनमें परफेक्शन है, उसमें कोई कमी नहीं है. तो गॉड अलग है और इंडिविजुअल अलग है, लेकिन अगर इंडिविजुअल ईश्वर की भक्ति करे, उनको उनकी पूजा करे, उनकी वर्शिप करे, उनमें डिवोशन दिखाए, तो वो अपने डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं. और जिस तरीके से गॉड परफेक्ट है वो भी नियर परफेक्शन अटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी है ये है आपकी द्वैत फिलॉसफी. नाउ वी विल टॉक अबाउट अद्वैत फिलॉसफी. अकॉर्डिंग टू दिस अद्वैत फिलॉसफी, गॉड एंड इंडिविजुअल, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट दीज आर डिस्टिंक्ट. अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर
भगवान और आत्मा यानी कि ब्रह्मा और जो आत्मा है उसको अलग नहीं बोला गया है, लेकिन ये बोला गया है कि उनकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टर है। गॉड के अपने कैरेक्टर है डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअल के अपने डिस्टिंक्ट क्वालिटीज है, कैरेक्टर है, बट दे दोज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों है एक ही पार्ट, एक ही हिस्से में है, दोनों एक ही साथ है, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो अद्वैत फिलोसफी में आप बोल सकते हैं कि गॉड एंड इंडिविजुअल आर डिस्टिंक्ट बट इनसेपरेबल। ठीक है, तो ये दो फिलोसफीज जो है ये हमें देखने को मिलती है, और यही जो मेन डिफरेंस है यही है। द्वैत में हम गॉड और इंडिविजुअल को अलग अलग देखते हैं, बिल्कुल अलग अलग देखते हैं, जबकि अद्वैत में हम गॉड और इंडिविजुअल को अलग अलग नहीं देखते, उनको एक ही देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दोनों ही एक ही शरीर का एक ही पार्ट जो है उसी का हिस्सा है ये। ठीक है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये है द्वैत और अद्वैत। अब जो रामानुज है उनकी जो फिलॉसफी है वो है आपकी अद्वैत, और वो भी विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी है। विशिष्ट अद्वैत यानी कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। अब इसमें इस क्वालिफाइड क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी जो ये नॉन डुअलिज्म की फिलॉसफी है इसमें इन्होंने उपनिषदिक मोनिज्म को भी कंबाइन किया है। तो ही कंबाइंड उपनिषदिक यानी कि उपनिषद जो हमारे हैं उनकी फिलॉसफी को भी कंबाइन किया है। उपनिषदिक जो मोनिज्म है जहां पर भगवान को आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है, तो जो उपनिषदक उपनिषदिक जो मोनिज्म है उन्होंने इनको कंबाइन किया है वैष्णव भक्ति के साथ। तो भक्ति और उपनिषद ये दोनों के ही कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके इन्होंने जो नई फिलॉसफी बनाई है उसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी। अब इन हिज एस्पेक्ट एज ईश्वरा, ईश्वर कैन बी इनवोक्ड By his devotees through भक्ति। इनके हिसाब से आप भक्ति के थ्रू भगवान को पा सकते हैं, और इन्होंने ये जो भगवान और उनके जो डिवोटी हैं उनके बीच का ये जो रिलेशनशिप है इसको इतना ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। इनके हिसाब से द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्राह्मण एंड इंडिविजुअल दैट इज आत्मा इज एक्सप्लेन एज सिमिलर टू दैट बिटवीन अ रोज एंड अ रेडनेस। जिस तरीके से एक रेड रोज होता है, ठीक है, रोज और रेडनेस का जो रिलेशनशिप होता है बिल्कुल उसी तरीके से गॉड और आत्मा का यानी कि ब्रह्मा और आत्मा यानी इंडिविजुअल और ब्रह्मा परमात्मा के बीच का रिलेशनशिप है। कैसे, आप अगर एक गुलाब का फूल लेते हैं जो लाल है, ठीक है, रोज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रेडनेस, बिना जो लालिमा के वो जो कलर है उसका, रोज का जो, देखिए रोज इज अ फ्लावर, उसकी अपनी अलग कैरेक्टर है। रोज एक फ्लावर है तो उसकी फ्लावर के हिसाब से अपनी अलग कैरेक्टर है। रेडनेस एक कलर है और कलर की अपनी अलग कैरेक्टर होता है। कलर अलग चीज है, फ्लावर अलग चीज है, लेकिन ये कलर की वजह से फ्लावर का इंपॉर्टेंस है और फ्लावर की वजह से ही इस कलर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो रोज और रेडनेस जिस तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि आप रोज से रेडनेस को नहीं निकाल सकते, ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकते कि रेडनेस को अलग करके रोज, आप रोज और रेडनेस को अलग नहीं कर सकते। अगर लाल गुलाब है तो गुलाब और लालिमा दोनों एक साथ ही रहेंगे। उसी तरीके से गॉड और आत्मा को भी अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि ब्रह्मा आत्मा को अलग आप नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों एक दूसरे का पार्ट है, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, ऐसा हिस्सा है जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू रामानुज आत्मा एंड ब्रह्मा आर नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नॉट आर दे द सेम थिंग। अब देखिए, रेडनेस रोज नहीं है और रोज रेडनेस नहीं है, लेकिन रेडनेस और रोज दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो गॉड और आत्मा यानी कि ब्रह्मा और आत्मा दो अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन वो दोनों सेम चीजें भी नहीं है, है क्या? दीज आर टू डिस्टिंक्ट बट इनसेपरेबल। कुल मिला के आप इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से समझे तो जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपने साइंस में फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, आप अगर कहीं कोई एक, ये आपका सर्किट है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं तो यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर दो मैग्नेट हैं, अगर इन दो मैग्नेट को आप मूव करवा रहे हैं
तो यहां पर आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है कि जहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे वहां पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और जहां कहीं भी आप मैग्नेट्स को मूव करवाएंगे वहां पर आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि करंट फ्लो होने लगेगी। इसका मतलब है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स है वहां मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा, और जहां मैग्नेटिक फोर्स है वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की अपनी अलग कैरेक्टर होता है, मैग्नेटिक फोर्स का अपना अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे वहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा ही मिलेगा, और जहां भी आपको मैग्नेटिक फोर्स आपके पास है वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को हम एक साथ पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखिए साइंस का यूज करके हम यहां पर हिस्ट्री को समझ रहे हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था ये इसलिए ताकि आपको ये जो फिलॉसफी है रामानुज की ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं जिनके कैरेक्टर अलग है लेकिन फिर भी वो अलग नहीं है। जहां एक है वहीं पर दूसरा है, जहां दूसरा है वहीं पर पहला है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो अगर हम बात करें इनके विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी की, तो ब्राह्मण कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट आत्मन, जस्ट एज अ रेड रोज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रेडनेस। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर आपको इनकी फिलॉसफी जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो रामानुज के बारे में इतना ही था। नाउ वी विल टॉक अबाउट माधव। अब माधव की क्या फिलॉसफी है? माधव की जो फिलॉसफी थी वो रामानुज की फिलॉसफी से एकदम अलग फिलॉसफी थी। अब माधव ने भी काफी सारी कमेंट्रीज लिखी हुई है, इन्होंने भी ब्रह्म सूत्र एंड उपनिषद पे कमेंट्रीज लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ पुराण और एपिक्स पे, पुराण एंड एपिक्स पे काम करके कुछ राइटिंग वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, और उस राइटिंग वर्क का नाम है भरत तात्पर्य निर्णय। ठीक है, भरत तात्पर्य निर्णय, तो ये इनका राइटिंग वर्क है और जो बेस्ड है पुराण और एपिक्स पे। अब ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट गॉड वॉज द मटीरियल कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ही कंसिडर्ड गॉड टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोल एंड द वर्ल्ड। इनके हिसाब से गॉड एंड इंडिविजुअल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दोनों बिल्कुल ही अलग है, यानी कि इनकी जो फिलॉसफी है वो द्वैत फिलॉसफी है, द्वैत यानी कि डुअलिज्म की फिलॉसफी है। ही कंसिडर गॉड एज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एंड इंडिविजुअल एज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब इनके हिसाब से इनका जो लॉजिक इन्होंने दिया है वो क्या दिया है, जैसे कि विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए रामानुज ने एक रोज का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से इन्होंने भी कुछ अपने रीजंस दिए हैं कि व्हाई गॉड इज डिफरेंट देन इंडिविजुअल। ही हेल्ड दैट इंडिविजुअल सोल इज मार्क्ड बाई मैनी डिफेक्ट्स। जो इंडिविजुअल सोल है उसमें काफी सारे डिफेक्ट्स हैं। इंडिविजुअल सोल इज मार्क्ड बाई मैनी डिफेक्ट्स बट कैन अटेन नियर परफेक्शन बाई सर्विंग एंड वर्शिपिंग गॉड, बट इट कैन अटेन नियर परफेक्शन बाई वर्शिपिंग। डिफेक्ट्स बहुत है लेकिन अगर वो वर्शिप करें, मन से पूजा करें, डिवोशन दिखाएं भगवान के प्रति, तो दे कैन बी नियर परफेक्शन। ये रिलेशनशिप जो है वो गॉड और आत्मा के बीच में है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द सोल वॉज लाइकेंड टू दैट बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट। इनके हिसाब से गॉड और इंडिविजुअल को जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक मास्टर का सर्वेंट के प्रति अपना रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी फिलॉसफी। अब ये दो फिलोसफर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट शैव सिद्धांत। तो वैष्णविज्म की फिलॉसफी ये थी, हम शैविज्म की फिलॉसफी की बात करते हैं। शैविज्म की फिलॉसफी में शैव सिद्धांत एक काफी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ शैविज्म है, जो कि अर्ली मिडिवल टाइम्स में इसका इमर्जेंस हुआ था। ठीक है, तो शैव सिद्धांत इज अ स्कूल ऑफ शैविज्म, इसकी भी कुछ फिलॉसफी है। ठीक है,
अब ये जो शैव सिद्धांत है, इट इज अर्ली मिडिवल पीरियड में जो थे, इसका हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है. और इसी फिलोसफी पे बेस्ड कुछ पॉपुलर सेक्ट्स हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं, जैसे कि वीर शैव मूवमेंट्स, वीर शैव मूवमेंट, या इनको हम लिंगायत मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं. अभी जो लिंगायत मूवमेंट है काफी फेमस मूवमेंट है. अब ये जो लिंगायत मूवमेंट है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, फिलॉसफी क्या है, किस तरीके की थॉट्स एंड प्रोसेसेस ये फॉलो करते थे, किस तरीके से चीजों को ये देखते थे, वो हम बात करते हैं. अब ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लिंगायत मूवमेंट था, इसका टाइम पीरियड क्या है. तो इसका टाइम पीरियड है आपका 12th century. और ये लिंगायत मूवमेंट का ऑरिजिन हमें देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका में. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका में हमें लिंगायत जो मूवमेंट है उसका ओरिजिन जो है वो हमें देखने को मिलता है. अब ऑल्दो इट्स लीडरशिप वॉज लार्जली ब्राह्मिन, इसकी जो लीडरशिप थी, लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप वॉज लार्जली ब्राह्मिन, बट जैसे कि इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मेजॉरिटी आप देखेंगे ब्राह्मिन से शुरुआत हुई है, लीडरशिप जो है वो ब्राह्मिन देखने को मिलती है. बट दो जो सोशल बेस है इसका, ठीक है, सोशल बेस जो है वो कंप्राइज्ड ऑफ आर्टिशंस, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स. तो लेकिन इसका जो मेन सोशल बेस है, ठीक है, बट इट्स मेन सोशल बेस कंप्राइज्ड आर्टिशंस, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स. ठीक है, तो बेसिक स्टेट ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस मूवमेंट से जुड़े, और इसी की वजह से ये इतना फ्लरिश भी हो पाया. और इस मूवमेंट का फ्लरिश होने का एक दूसरा भी कारण था कि कई सारे किंग्स का भी पैट्रोनेज मिला, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि बहुत सारे किंग्स जो है उन्होंने फंडिंग दी है, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया है, टेम्पल्स जो है वो बनवाए हुए हैं, काफी सारे इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता चलता है. अब इसकी स्पेशलिटी अगर बात करें कि ये जो लिंगायत मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट था इट वॉज एंटी कास्ट मूवमेंट. ठीक है, वैष्णविज्म में जब आप देखेंगे तो वैष्णविज्म में कुछ ऐसा स्टार्टिंग में एंटी कास्ट मूवमेंट, जब भी हम भक्ति मूवमेंट की स्पेशली बात करें तो उसमें जो वैष्णविज्म सेक्ट है वहां पर हम एंटी कास्ट मूवमेंट के तरीके से इसको नहीं देखेंगे स्टार्टिंग में. और धीरे धीरे सोशल केवल डिवोशन पे बहुत ज्यादा फोकस था कि आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लव फॉर गॉड होना चाहिए. लेकिन जो लिंगायत मूवमेंट है ये पूरा का पूरा एंटी कास्ट मूवमेंट था, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था. और साथ ही साथ दे ऑल्सो रिजेक्टेड द वैदिक ट्रेडिशन. जो भी वैदिक ट्रेडिशंस थे, वैदिक सैक्रिफाइसेस थे, यज्ञ, हवन, वेद, ये सारी चीजें जो थी, इन्होंने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है. जो भी मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स हैं लिंगायत, जो ये मूवमेंट चला है, ये जो शैव सिद्धांत स्कूल है, इसको मानने वाले जो भी मेल और फीमेल मेंबर्स हैं, उनकी स्पेशलिटी है कि दे वियर आ लिंग जिसको ईष्ट लिंग के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, दे वियर अ लिंग विच इज ऑल्सो नोन एज ईष्ट लिंग ऑन दियर बॉडी. और मेन चीज कि दे अटैच नो इम्पोर्टेंस टू द वर्शिपिंग ऑफ गॉड इन द टेम्पल. मतलब मंदिर में जाके भगवान की पूजा करने का कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस इन्होंने नहीं किया है. ठीक, तो यहां से जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हम अभी तक समझ रहे थे वैष्णविज्म एंड शैविज्म का, वो यहां से हमारा होता है कंप्लीट. एंड नाउ अब हम एकदम सीक्वेंस में बात करेंगे भक्ति मूवमेंट पे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आर मेन फोकस विल बी टोटली ऑन भक्ति मूवमेंट. तो सबसे बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की ओरिजिन की, ओरिजिन यानी कि शुरुआत कैसे हुई. ठीक है, अब तक पूरा ब्रीफ आइडिया मिल गया है, एक सीक्वेंस में हम एक बार रिवाइज करते हुए इसको देख लेते हैं ताकि एक आइडिया जो है आपके दिमाग में अच्छे से हो जाए. तो भक्ति, जैसे कि बात किया था, भक्ति का मतलब होता है सुप्रीम डिवोशन टू गॉड, और ये एक वेरी पावरफुल रिलीजियस मूवमेंट था. ठीक है, तो भक्ति इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीम डिवोशन टू गॉड, एंड इट वॉज अ वेरी पावरफुल मूवमेंट, वेरी पावरफुल मूवमेंट. भक्ति की शुरुआत, ये भक्ति जो है वो कहां से हुआ है, तो हम कल बात कर चुके हैं, भज, एक रूट वर्ब है भज, जिसका मतलब होता है टू पार्टिसिपेट. तो भज से भक्ति बना हुआ है, और जो भक्त है, भक्त इज द वन हु पार्टिसिपेट इन टू द डिवाइन, हु पार्टिसिपेट
इन द डिवाइन. जो भगवान के डिवाइन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं भक्त. अभी जो भक्त और भक्ति जो है ये काफी ज्यादा कनेक्टेड है गॉड से. इसमें मेन फोकस जो है वो लव और डिवोशन पे दिया गया है. लव डिवोशन का मतलब होता है हम यहाँ पर जब भक्ति की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सेल्फ सरेंडर की बात करते हैं. अभी भक्ति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी तमिल लिटरेट जो पीपल थे, ठीक है. तो लिटरेट तमिल स्पीकिंग जो पीपल थे वहां से इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है. लिटरेट तमिल स्पीकिंग सबसे पहले भक्ति जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़े लिखे तमिल स्पीकिंग लोग थे वहां पे इसके रूट्स देखने को मिलते हैं. धीरे धीरे ये जो भक्ति मूवमेंट है ये फैला नॉन तमिल जो थे यानी कि अदर जो द्राविडियन थे उनमें भी ये भक्ति का कॉन्सेप्ट जो फैला है इसका स्प्रेड धीरे धीरे में देखने को मिलता है. और धीरे धीरे लिटरेट लोगों से होते 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 जो नॉन लिटरेट लोग थे, ठीक है, उन तक भी ये भक्ति मूवमेंट पहुंच गया. तो लिटरेट भक्ति मूवमेंट की शुरुआत लिटरेट जो तमिल स्पीकिंग पढ़े लिखे लोग थे वहां से ये भक्ति का कॉन्सेप्ट, लव और डिवोशन का कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ. फिर बाकी लैंग्वेजेस, अदर द्राविडियन लैंग्वेजेस बोलने वाले जो तमिल नहीं बोलते थे उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस बोलते थे वो लोग भी थे, उनको भी भक्ति ने काफी अपने इन्फ्लुएंस में लिया. और धीरे धीरे जो लोअर स्ट्रेटा के जो बिना पढ़े हुए लिखे लोग थे वो भी भक्ति के इन्फ्लुएंस में आ गए. तो एक पुराण है जो है जिसका नाम है पद्म पुराण. पद्म पुराण इसने भक्ति का ये जो इन्फ्लुएंस है कैसे कैसे बढ़ा इसको भक्ति की एक जो ये इसका स्टेट है, भक्ति की जो लाइफ है कि कैसे भक्ति की शुरुआत हुई फिर उसकी ग्रोथ कैसे कैसे हुई उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. पद्म पुराण के हिसाब से एक श्लोक है जिसमें पद्म पुराण में लिखा है, उत्पन्ना द्राविड़े भक्ति वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे प्रलया गता. इसका मतलब ये है कि जो भक्ति है ये एज अ चाइल्ड इसका बर्थ कहाँ हुआ, इसका बर्थ हुआ तमिल कंट्री में, ठीक है. तमिल में भक्ति जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद एज अ चाइल्ड इसकी जो ग्रोथ होती है वो होती है कर्नाटका में. कर्नाटका में एज अ चाइल्ड भक्ति फ्लरिश होती है. उसके बाद एज अ लेडी जो है वो बनती है महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में और डेवलपमेंट होता है तो बोलते हैं कि एज अ लेडी जो डेवलपमेंट होता है वो महाराष्ट्र में होता है. और फिर एक मैच्योर पर्सन के रूप में ये गुजरात जाते जाते जो भक्ति मूवमेंट है वो एज अ मैच्योर पर्सन के रूप में हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है. तो भक्ति को अगर हम एक एज अ इंसान के रूप में, एक ह्यूमन के फॉर्म में इसको अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इसका बर्थ हुआ है तमिल में. फिर इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, इसकी जो एज अ चाइल्ड प्रोग्रेस हुई है कर्नाटका में, कर्नाटका से फिर ये धीरे धीरे भक्ति कहां गई, महाराष्ट्र में, जहां पर वो एज अ लेडी यानी कि उसमें और डेवलपमेंट हुआ, और ज्यादा लोग जुड़े, और ज्यादा सोशल बेस जुड़ा, फिलोसॉफिकल थिंकर्स जुड़े, और ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ उसकी फिलोसफी में. और फिर मेच्योर हुई वो गुजरात. गुजरात जाते जाते भक्ति जो है उसमें हमें मेच्योरिटी देखने को मिल जाती है. और फिर देखेंगे जब एक बार ये मेच्योरिटी दिख जाती है, सोशल बेस बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज इसके डिक्लाइन का भी कारण बनती है, ठीक है. तो ये है भक्ति का कॉन्सेप्ट. अब एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं श्वेतेश्वत्रा उपनिषद. उसके हिसाब से एकलव्य और उसके गुरु के, एकलव्य ने अपना अंगूठा जो काट के दे दिया था, तो एकलव्य और गुरु के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी भक्ति के रूप में देखा जाता है. भक्ति को एक्सप्लेन करने के लिए और भी कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रामायण और गीता जो कि हमारी होली बुक्स हैं हिंदुइज्म की. तो रामायण और गीता में भी भक्ति के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, डेवलप किया गया है. इससे पहले भक्ति मूवमेंट के इमर्जेंस से पहले हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेन फोकस वाज ऑन कर्मा दैट इज एक्शन एंड ज्ञान दैट इज नॉलेज. कि आप नॉलेज से भगवान को पा सकते हैं और कर्म से भगवान को पा सकते हैं. बट आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ दिस भक्ति मूवमेंट अ न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप्ड. द थर्ड ऑल्टरनेटिव जो है वो डिवोशन को माना गया. भगवान को पाने का जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है आफ्टर कर्मा एंड नॉलेज, तो माना गया कि भक्ति के थ्रू भी आप भगवान को पा सकते हैं, ठीक है. तो ये तो थी शुरुआत, भक्ति की जर्नी जो शुरू हुई उसका ओरिजिन कहां से हुआ वो हमने यहाँ पे बात कर ली है. अब हम बात करें कि तमिल क्लासिसिज्म यानी कि तमिल जो रीजन में जहां पर इसका बर्थ हुआ उसका किस तरीके से इस पे इफेक्ट हुआ. तो तमिल का एक काफी फेमस पोएट्री है, तमिल पोएट्री जिसको बोलते हैं संगम,
ठीक है। संगम पोएट्री में सेक्युलर थीम्स हैं। अब ये जो सेक्युलर थीम्स हैं वो दो आइडियाज पे हैं। पहला जो आइडिया है वो आइडिया है लव और दूसरा आइडिया है वॉर। सेक्युलर थीम का मतलब होता है कि यहाँ पर धर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल थॉट्स कुछ एक अपनी सोच है, एक लव है दूसरा वॉर है, एक प्यार है दूसरा युद्ध है। तो यहाँ पर दो सेक्युलर थीम हमको देखने को मिलती है, पहला है लव दूसरा है वॉर। जो इंटीमेट इमोशंस ऑफ लव है ठीक है उसको बोलते हैं आकाम, और जो आपका विरल एक्टिव वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स है वॉर है उसको बोलते हैं पुरम। तो संगम लिटरेचर में जो है हमें आकाम और पुरम के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो सेक्युलर थीम लव और वॉर से हटके डिवोशन की तरफ जाने लगी। तो कुछ स्कॉलर्स हैं, देयर आर सम स्कॉलर्स, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि देयर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम सेक्युलरिज्म टू डिवोशनलिज्म, हम सेक्युलरिज्म से हटके डिवोशनलिज्म की तरफ जाने लगे, और यही कारण था कि तमिल में भक्ति मूवमेंट का बर्थ हुआ। पहले सेक्युलर थीम्स हुआ करती थी एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ लव को एक्सप्रेस करते थे या वॉर के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, लेकिन फिर एक नई थीम आई डिवोशन, तो हम सेक्युलरिज्म से हट के डिवोशनलिज्म की तरफ जाने लगे। एंड दैट वाज द मेजर डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ट्रांजिशन दैट ब्रॉट इन द मिडिवल फेज इन द तमिल कल्चर। अब यही जो चेंजेस धीरे धीरे तमिल कल्चर में हो रहे हैं इसी की वजह से भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की कैरेक्टर की, तो ऑल थ्रू आउट इट्स जर्नी भक्ति मेंटेन्ड इट्स तमिल कैरेक्टर। भक्ति ने पूरी जर्नी में चाइल्ड से लेके मैच्योर होने तक की पूरी जर्नी में इट मेंटेन्ड तमिल कैरेक्टर, मेंटेन्ड इट्स तमिल कैरेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें केवल तमिल कैरेक्टर ही था। धीरे धीरे ये जो भक्ति मूवमेंट है कर्नाटका से महाराष्ट्र से गुजरात से होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, तो इसमें नॉर्दर्न एलिमेंट्स भी आ गए। तो अब जो नॉर्थ इंडियन की भक्ति, साउथ इंडियन भक्ति और नॉर्थ इंडियन भक्ति की बात करें, तो जो अब भक्ति का नया स्वरूप हमें देखने को मिला है दैट वॉज अ मिक्स ऑफ नॉर्दर्न एंड साउथ सदर्न भक्ति, यानी कि संस्कृत, संस्कृत कहाँ है नॉर्थ की, संस्कृत एंड तमिल, ये दोनों के ही कैरेक्टर जो है वो हमें भक्ति मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, बेसिक डिटेल है भक्ति मूवमेंट के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं ये भक्ति मूवमेंट किन की वजह से है। ये भक्ति मूवमेंट अलवार सेंट्स की वजह से है, नैनमार सेंट्स की वजह से है। तो अलवार और नैनमार सेंट ने कुछ बुक्स लिखी है, इनके कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है जिनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नैनमार्स के बारे में बात करते हैं। ये जो नैनमार्स है ये कौन है, ये वो लोग हैं जो लॉर्ड शिव की आराधना करते हैं, लॉर्ड शिव की पूजा करते हैं। अब द इमेंस डायमेंशन ऑफ द साइवाज भक्ति पोएट्री इज कैनोनाइज्ड इन द 12 बुक्स कॉल्ड तिरुमुराई, यानी कि जो नैनमार सेंट पोएट्स थे इनकी 12 बुक्स थी। ये कितने पोएट थे, ये 63 हमारे सेंट पोएट्स थे और इनके 12 बुक्स थी, 12 बुक्स। ये जो 12 बुक्स हैं इनको तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है। अब तिरुमुराई में जो इसमें फेमस ग्रेट ट्रियो है, ग्रेट ट्रियो यानी कि पहले तीन सेंट पोएट्स हैं ठीक है, इनके वर्क्स को कंपाइल किया गया था और काफी फेमस है। ये जो 12 बुक्स हैं इनमें सबसे पहले ग्रेट ट्रियो, ये तीन हैं जिनसे शुरुआत होती है, पहली बुक, पहली जो 6-7 बुक्स हैं वो इनके ग्रेट ट्रियो के कंपाइलेशन से ही शुरुआत होती है। ये ग्रेट ट्रियो कौन कौन से हैं, पहले हैं अपार, दूसरे हैं आपके संपंतार और तीसरे हैं आपके सुंदरार। ये जो सुंदरार हैं ये 6 से लेके, ये जो पोएट्स हैं आपके ये 6 और 8 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अब दीज वर फॉलोड बाई एक और हमारे इंपॉर्टेंट सेंट पोएट है जिनका नाम है मनी कवचर, ठीक है, मनी कव सकर, ठीक है। मे बी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई हो, बिकॉज दीज आर दी साउथ इंडियन नेम्स विच आर वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, तो देख लीजिए आप मनी कवचर जो भी है। अब तो ये जो थर्ड है ये है, अब इनकी भी कुछ बुक्स हैं वो लिखी गई हैं। अब इसमें हम देखते हैं एक और काफी फेमस है जिनका नाम है नाम्बी अंदार, ठीक है, नाम्बी अंदार। ये क्यों है, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द राजा वन जो रूलर थे उनके इंस्ट्रक्शंस में ये नाम्बी अंदार हैं, ठीक है, इन्होंने ये जो ग्रेट ट्रियो है इनकी जो हिम्स थे पोएट्रीज थी इनको कंपाइल किया था, ठीक है। तो ही क्लासिफाइड दी सॉन्ग्स ऑफ ग्रेट ट्रियो,
ठीक है, तो इन्होंने ये जो ग्रेट ट्रियो है इनके सॉन्ग्स को क्लासिफाई किया था। तो इस तरीके से इनके काफी सेंट पोएट्स थे, उनके सॉन्ग्स को कंपाइल कर करके काफी सारी जो है बुक्स जो है वो बन गई थी। अब इसकी वजह से 7 बुक्स तो ऐसे ही बन गई। उसके बाद जो मनिक कवचर जिनके बारे में बात की है मैंने, उनने 8th बुक, उनके जो कॉम्पोजिशन है 8th बुक बनी है। बस ये याद रखना है कि जो मनिक कवचर जी हैं इनके जो कॉम्पोजिशन थे दैट वर नॉन म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, मतलब म्यूजिकल कॉम्पोजिशन नहीं थे। ठीक है, अब इनके जो कॉम्पोजिशन थे वो नॉन म्यूजिकल कॉम्पोजिशन थे। उसके बाद फिर एक आते हैं आपके तिरुविकल्पा करके, ठीक है, तो 9th बुक जो है, बस आपको याद रखना 9th बुक जो है वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन वहां पर। अब ये 9th बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 9th बुक में जो भी म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हैं दैट वर संग इन द चोला टेम्पल्स, तो चोला टेम्पल्स जो कि 11th-10th सेंचुरी जो थी, ठीक है, उस समय जो चोला टेम्पल्स थे वहां पर ये 9th बुक के कंपाइलेशंस जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस थे उनको वहां पर गाया जाता था। 10th बुक जो है वो काफी डिफरेंट नेचर की बुक है। डिफरेंट क्यों है ये भी बात करते हैं, क्योंकि यहां तक अभी हम डिवोशन की बात करेंगे, लव की बात करेंगे, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस की बात करेंगे, लेकिन जो ये 10th बुक है इस बुक की कैरेक्टर क्या है कि यहां पर हमें कुछ तांत्रिक और यौगिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तांत्रिक एंड यौगिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा 9th बुक में। इसी के साथ साथ 11th और 12th बुक भी है। 11th बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ वर्क पर्टेनिंग टू डिफरेंट एज एंड कैरेक्टर, एंड फाइनली द 12th बुक इज द ग्रेट पुराणम ऑफ द सेक्युलर। ठीक है, तो इस तरीके से 12 बुक्स जो है आपको याद रखनी, 12 बुक्स है नैनमार्स की जिनका कंपाइलेशन है। पहले 3 ग्रेट ट्रियो है जो अपार, संपन्तार और ये सुंदरार है, और इनके कंपाइलेशन को किसने पूरा किया था, नामबियांडार ने किया था। किसके अंडर किया था, राजा फर्स्ट के इंस्ट्रक्शंस के अंदर किया था। तो ये शैव पोएट्स और जो नैनमार पोएट हैं उनके बारे में ये बात हमने कर ली है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि वैष्णव सेंट पोएट्स ने किस तरीके की कंपाइलेशन की। अब जो ये अलवार सेंट पोएट्स हैं यानी कि जिन्हें हम वैष्णव सेंट पोएट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे 12 इन नंबर्स हैं। 63 नैनमार्स हैं हमारे पास और 12 अलवार सेंट हैं। अब अलवार सेंट्स आर 12 इन नंबर एंड दे कॉन्स्टिट्यूटेड वन ऑफ द मेजर डिवोशनल स्ट्रीम ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का जो मेजर डिवोशनल स्ट्रीम है अलवार सेंट्स जो है उनकी वजह से बना है, और अलवार्स के हिम्स की वजह से ही भक्ति मूवमेंट इतना फ्लरिश हो पाया। इनके भी पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अलवार सेंट हैं। पहले जो सेंट है उनका नाम है पोगई, दूसरे हैं उनका नाम है बूथ हलवार, और जो तीसरे हैं उनका नाम है पेयलवार। ठीक है, तो ये सेंट पोएट्स हैं। अब इसमें वैष्णविज्म में जो अलवार सेंट हैं उनमें से 2 काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं आपके नम्मलवार। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इनके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तिरुपन्नलवार, ठीक है, ये दोनों हैं, ये लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसमें से ही जो सेकेंड है ये अनटचेबल, इनको अनटचेबल भी माना गया है। ठीक है, अनटचेबल बोला गया है। अब ये जो नम्मलवार है इनका काफी फेमस वर्क है, तो द मोस्ट फेमस इज द नम्मलवार हुज डिवोशनल आउटपोरिंग्स कॉल्ड तिरुवैमोली वॉज कंपाइल्ड एंड कोडिफाइड बाई अनदर वैष्णवाइट सेंट मधुर कवि। तो मधुर कवि एक दूसरे सेंट पोएट थे जिन्होंने नम्मलवार जो सेंट थे, ठीक है, इनके जो वर्क था, इनका जो डिवोशनल आउटपुरिंग्स थी जिसको इन्होंने कंपाइल किया, इसका नाम था तिरुवैमोली। ठीक है, तो इनका वर्क था, इसको कंपाइल किसने किया था, मधुर कवि ने कंपाइल किया था, उसका नाम क्या था, तिरुवैमोली। अब आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने बोला था नाथ मुनि के बारे में बार बार बात करते हैं, तो नाथ मुनि का जो भी कंपाइलेशन है ये कंपाइलेशन है आपका 4000 हिम्स का। ये जो 4000 जो हाइम्स है आपके इनको बोला गया है नलायरा दिव्य प्रबंधम। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, तो नलायरा दिव्य प्रबंधम। अब दिस वॉज कंपाइल्ड बाई नाथ मुनि, और ये कब कंपाइल किया गया था,
टेंथ सेंचुरी में कंपाइल किया गया था. एंड ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द 12 अलवार्स. जो 12 अलवार सेंट पोएट्स हुए हैं उनके सबके कॉम्पोजिशन जो है वो नाथ मुनि ने 4000 हाइम्स में कंपाइल किया है, जिसका नाम था नालायरा दिव्य प्रबंधम, जो कि 10th सेंचुरी में इन्होंने कंपाइल किया है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वैष्णव रिलीजन बिकॉज इट इज नोन एज द द्राविड वेदा. ये जो दिव्य नालायरा दिव्य प्रबंधम है जिसने 12 के 12 अलवार जो सेंट पोएट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन जो है उनका कलेक्शन है इसमें, तो इसको द्राविड वेदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द वेदा ऑफ द द्राविड कंट्री. ठीक है, तो द्राविड वेदा के नाम से भी ये जाना जाता है, इसलिए ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए. आई होप कि आपको अब तक की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं. अब हम बात करेंगे व्हाट वॉज द रोल ऑफ टेम्पल्स इन द भक्ति मूवमेंट. सो इट्स ऑलरेडी 40 मिनट लेक्चर, सो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है वो है रोल ऑफ टेम्पल्स इन भक्ति मूवमेंट. सोसाइटी पे भक्ति मूवमेंट का क्या इफेक्ट था, नेगेटिव इफेक्ट था या पॉजिटिव इफेक्ट था, सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस आए या सोसाइटी की वजह से भक्ति मूवमेंट में किस तरीके के चेंजेस आए, वो हमें डिस्कस करना है. ये दो चीजें हैं. और थर्ड जो है वो है शंकराचार्य. तो नेक्स्ट जो लेक्चर है जो हमारा कल होगा उसमें हम बात करेंगे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल इन द फ्लरिशमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट में टेम्पल्स का क्या रोल रहा है, भक्ति मूवमेंट में सोसाइटी का क्या रोल रहा है, और सोसाइटी के ऊपर भक्ति मूवमेंट का क्या प्रभाव रहा है, वो चीज डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या थी. शंकराचार्य इंपॉर्टेंट है, उनके जीवन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उनका जो लाइफ जर्नी रही है, किस तरीके से क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या फिलॉसफी थी, क्या थिंकिंग थी, उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप कि यू लाइक इट, और आपको ये जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं. इफ यू रियली लाइक इट प्लीज डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे. एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू डू मच मोर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.